स्नेक यानी कि सांप। सांप एक ऐसा जीव है जिसे देखकर डर भी लगता है, और अगर कभी वो हमारे सामने आ गया तो हमारे होश उड़ जाते हैं। पर आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सांप वंश का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? सांपों की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही रोमांचक कथा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा महाभारत से संबंधित है। कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया था, मगर इन सभी में से महर्षि को कद्रु और विनता सर्वाधिक प्रिय थी। वो इन दोनों से बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार महर्षि कश्यप ने दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने कहा कि महर्षि, मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। फिर उसके बाद महर्षि ने विनता को पूछा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब विनता ने कहा, हे स्वामी, मुझे तो एक ही पुत्र चाहिए, मगर वह पुत्र इतना ताकतवर हो कि कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। महर्षि ने दोनों पत्नियों को उनकी इच्छानुरूप वरदान दे दिए। इसके फलस्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनता ने गरुड़ को जन्म दिया। कद्रु के अंडों में से आगे चलकर सांप निकले और इस तरह सर्प वंश की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।